अगली खबर संत कबीर नगर से आ रही है। खबर संत कबीर नगर से, कुवानो नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत का मामला सामने आया है। नदी में लापता चंदन अनुराग प्रिंस का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संत कबीर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनके नाम चंदन अनुराग और प्रिंस बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर मिथिलेश कुमार जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता संत कबीर नगर से। मिथिलेश, युवक नहाने आए थे, कैसे हुआ यह हादसा, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि ये पूरा मामला कल का है, जहां मौली थाना क्षेत्र के कुवानो नदी के साथी पुल पर ये 6 युवक को नहाने गए थे और इसमें से 3 युवक डूब गए थे। 3 युवक को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया था, जिसका रेस्क्यू चल रहा था। आज जो है तीनों युवकों का शव बरामद हुआ है और मौके पर जानकारी होते ही भारी पुलिस फोर्स और वहां के क्षेत्रीय विधायक गणेश चौहान पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया है। जी मिथिलेश, जो युवक डूबे हैं एक ही क्षेत्र के बताए जा रहे हैं, फिर अलग अलग इलाकों से आए हुए थे। देखिए, आपको बता दें कि इसमें से जो 6 युवक नहाने गए थे, उसमें से 1 युवक संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के थे और बताया जा रहा था, और ये भी बताया जा रहा है कि 2 युवक कौड़ी राम के थे, वो अपने रिश्तेदारी में आए हुए थे और 6 युवकों के साथ नहाने गए थे, जिसमें से जो 3 युवक डूबे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 युवक जो है स्थानीय उसी गांव के निवासी हैं और 1 युवक कौड़ी राम का है, जिसका शव बरामद हुआ है। मिलाकर 6 लोग नहाने गए थे, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई। शुक्रिया मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। संत कबीर नगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 युवकों की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई।